हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जी लेकर। देखते हैं कि क्या चल रही है कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जी। इस डेक को मैं करूँगी रैंडमली दो पार्ट में डिवाइड और देखते हैं क्या चल रहा है आपके एनर्जी में और आपके पार्टनर की एनर्जी में। सो फर्स्ट कार्ड है मेरे व्यूवर्स की तरफ द सन, then we have the world, then we have princess of cups, then we have ten of pentacles and bottom of the deck is knight of wands। आपकी एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर पॉसिबल है कि आप आज के दिन में किसी तरह का एक्शन लेने की सोच रहे हैं। एक्शन रिलेटेड विद योर करियर, रिलेटेड विद योर लव लाइफ, रिलेटेड विद योर फैमिली। कोई ना कोई डिसीजन आज के दिन में आप ऐसा ले सकते हैं जो एक्शन ओरिएंटेड है, जो एक्शन को डिनोट कर रहा है। साथ ही यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि द वर्ल्ड की एनर्जी है, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल नज़र आ रहा है। अचानक से आप कहीं जा सकते हैं, भले छोटी मोटी जगह हो या कहीं दूर का सफ़र हो, बट पास या दूर का सफ़र यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है। साथ ही यहाँ पर यह भी नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी कार्मा को फेस कर रहे हैं, मतलब अगर आपके लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है, वो आज के दिन में आपको ट्रिगर कर सकती है या कर सकता है, चाहे वो आपका दोस्त हो, रिलेटिव हो, कोई कलीग हो। आज के दिन में यहाँ पे द वर्ल्ड की एनर्जी, कर्मा से रिलेटेड कुछ चीज़ें आज आपके लाइफ में हो सकती हैं जो कि आपको ऐसा लगे कि यार मेरी नसीब में ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कुछ ऐसी चीज़ें आज के दिन में आपके साथ हो सकती हैं, थोड़ा सा अवेयर रहिए। इवन अपने सामान उमान को लेकर भी थोड़ा सा अवेयर रहिए। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंस ऑफ कप्स विद टेन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोग अपनी शादी को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने लाइफ में ग्रोथ को लेकर आज के दिन में बड़ा ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे आज के दिन में। इमोशनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पैशन। आपको समझ में नहीं आएगा कि अचानक से इतनी याद आपको क्यों आ रही है, आप तो बड़े बैलेंस हैं, फिर अचानक से इतनी याद क्यों आ रही है। तो अब ये तो उनकी एनर्जी देखकर ही पता चलेगा कि अचानक से इतनी याद क्यों आ रही है। हो सकता है वो आपको एनर्जी सेंड कर रहे हों। सो ये आपकी एनर्जी है आज के दिन में, ओवर एंड ऑल बैलेंस्ड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही। देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ। फर्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस, फोर ऑफ कप्स, ग्रीन ग्रीन एनर्जी बड़ी ज़्यादा है। द मैजिशियन इनकी तरफ से आ रही है क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। यस, इनकी ही तरफ से ही आ रही है आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा पैशन फील करेंगे, रोमांस फील करेंगे, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी फील करेंगे तो उसका कारण आपके पार्टनर हैं। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आज के दिन में इनका और थर्ड पार्टी का कुछ हो सकता है। थर्ड पार्टी चाहे कोई भी हो, सबके लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशंस अलग होती हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम थर्ड पार्टी क्या होती है, तो थर्ड पार्टी यहाँ पर ये होती है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में आ रहा है, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे वो उनके लाइफ में कोई सिचुएशंस हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो या उनकी फैमिली हो या कोई सोसाइटल नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस हो, तो वो सब सिचुएशंस जो बीच में आ रही हैं और आप दोनों के रिलेशनशिप में हर्डल्स क्रिएट कर रही हैं, वो थर्ड पार्टी होती है। तो जिसकी भी वजह से ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या जिसकी भी वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है, वहाँ पर आज के दिन में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, वहाँ पर आज के दिन में कुछ बवाल क्रिएट हो सकते हैं और उसके बाद ये सक्सेसफुली आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा जैसे कि वेट कर रहे थे कि कुछ हो, पॉइंट मिले और मैं एक एक्शन लूँ। मैजिशियन की एनर्जी है विद सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, तो आज के दिन में काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है मैजिशियन क्या करता है। मैजिशियन मैनिफेस्ट करता है, मैजिशियन जादू करता है, मैजिशियन मिरेकल एक्सपेक्ट करता है या मिरेकल खुद करता है। साथ ही मैजिशियन के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो सामने वाले को अपने काबू में कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको इतनी तीव्र गति से एनर्जी भेज रहे हैं कि आप इनके पूरी तरह से काबू में हैं। इन ये जो आपको सेंड कर रहे हैं वैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं। अगर ये आपको सैड एनर्जी सेंड कर रहे हैं तो आप सैड होंगे, अगर ये आपको पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं तो आप खुश होंगे, अगर ये आपको मिसिंग एनर्जी सेंड कर रहे हैं तो आप मिस करेंगे। तो जैसी एनर्जी ये आपको देंगे वैसी एनर्जी से आप एक्ट करेंगे लाइक अ पपेट। तो यहाँ पर आप अगर बैलेंस्ड हैं तो आप किसी भी सिचुएशन में बैलेंस में रहेंगे, बट अगर आप इम्बैलेंस हैं तो आपको अचानक से रोना आ सकता है, अचानक से गुस्सा आ सकता है, अचानक से इरिटेटिंग फील हो सकता है क्योंकि आपके ऊपर उनकी एनर्जी हावी होगी।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो यहाँ सक्सेस भी नज़र आ रहा है। आज के दिन में बहुत सारे लोगों को मैसेजेस भी रिसीव होने के चांसेस हैं। तो ये थी आज की एनर्जी, होप आपसे रेजोनेट हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।